मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो आज की स्टूडियो में हम सॉल्व करेंगे राजस्थान बोर्ड की तरफ से जारी की गई इंग्लिश कंपलसरी की वर्कबुक। इस वीडियो में मैं आपको वर्कशीट फर्स्ट और वर्कशीट सेकंड को सॉल्व कराने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हो वर्कबुक है, बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12। तो ये देखिए आपके सामने वर्कशीट फर्स्ट आ चुकी है। इसके अंतर्गत आपका जो टॉपिक है वो क्लोज है और लर्निंग एरिया है वो ग्रामर है। क्वेश्चन है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड, मतलब जो आपको वर्ड दे रखा है उसकी सहायता से आपको सेंटेंस को जॉइन करना है। तो मैं आपको बारी बारीकी से सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द जूरी बिलीव्ड द बॉय वॉज इनोसेंट। इस सेंटेंस को आपको दैट क्लोज की सहायता से जोड़ना है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा द जूरी बिलीव्ड दैट द बॉय वॉज इनोसेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि द कार इज रेड ही ड्राइव्स इट। इसको आपको विच क्लोज की सहायता से जोड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द कार इज रेड विच ही ड्राइव्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द कैट हैड ड्रंक मिल्क वी रीच्ड होम बिफोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके द कैट हैड ड्रंक मिल्क बिफोर वी रीच्ड होम, मतलब हमारे घर पहुंचने से पहले ही बिल्ली सारा दूध पी चुकी थी। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर चार है कि यू विल नॉट सक्सीड यू वर्क हार्ड। इसको आपको अनलेस क्लोज की सहायता से जोड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके यू विल नॉट सक्सेस्ड अनलेस यू वर्क हार्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच है कि दिस इज द प्लेस माई फ्रेंड वॉज बॉर्न हियर। इसको आपको वेयर क्लोथ की सहायता से जोड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज द प्लेस वेयर माई फ्रेंड वॉज बॉर्न। ये वो जगह है जहाँ पर मेरा मित्र पैदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर छः है कि द बॉय स्टडीज हियर हिज मदर इज द प्रिंसिपल। इसको आपको खुद क्लोथ की सहायता से जोड़ना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके द बॉय स्टडीज हियर हुज मदर इज द प्रिंसिपल। जो लड़का यहाँ पढ़ता है उसकी माता जी प्रिंसिपल है। फिर क्वेश्चन नंबर सात है कि ही वो सॉक्ड सी रिवील्ड द ट्रूथ। इसको आपको वेन की सहायता से जोड़ना है। तो आंसर हो जाएगा आई वो सॉक्ड वेन सी रिवील्ड द ट्रूथ। मैं सॉक्ड यानी कि अचंभित था जब उसने सच बताया। क्वेश्चन नंबर आठ है कि सी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द अवार्ड सेरेमनी हर बेस्ट फ्रेंड रिसीव्ड द प्राइज। इसको आपको एज क्लोज की सहायता से जोड़ना है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा एज सी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द अवार्ड सेरेमनी हर बेस्ट फ्रेंड रिसीव्ड द प्राइज, मतलब आपको एज स्टार्टिंग में लगाना है। क्वेश्चन नंबर नौ है कि ही फिनिश्ड लास्ट ही बिगेन अर्ली, दोज की सहायता से जोड़ना है। तो आंसर होगा ही फिनिश्ड लास्ट दोज ही बिगेन अर्ली। क्वेश्चन नंबर दस है कि वर्क हार्ड यू फेल इवन इफ, ये बहुत अच्छी लाइन है और इसको आपको ध्यान रखना है। वर्क हार्ड इवन इफ यू फेल, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए वरना आप फेल भी हो सकते हैं। वर्क हार्ड इवन इफ यू फेल। अब हम देखते हैं वर्कशीट सेकंड को। इसके अंदर भी टॉपिक क्लोज है, लर्निंग एरिया ग्रामर है। क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु विच वेयर। हु विच और वेयर की सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करनी है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आएगा आपके हु, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आएगा वेयर, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आएगा विच, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आएगा हु, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आएगा वेयर, सिक्स के अंदर आएगा वेयर, सेवन के अंदर आएगा हु, एट के अंदर आएगा विच, नाइन के अंदर आएगा हु और टेन के अंदर आएगा विच। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हु विच वेयर क्यों आए। हु का अर्थ होता है कहाँ, विच यानी कब और वेयर यानी कहाँ, ये तो प्रश्नवाचक शब्दों में। और जब वाक्य सिंपल सेंटेंस के अंदर हो और उसके अंदर आपको हु दिखाई दिए तो मतलब जो, किसी भी व्यक्ति के लगा सकते हैं आप। विच, विच आपको वस्तुओं के लिए लगाना है और वेयर आपको प्लेसेस यानी कि स्थान के लिए लगाना है। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट सेकंड और वर्कशीट फर्स्ट हमने इस वीडियो में सॉल्व कर ली और बाकी की वर्कशीट भी हम जल्दी ही सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।